आज प्राचीन देखा जा रहा है, अगर सेवा है तो आप गुरुद्वारे में जाइए, आपको गुरुद्वारे में आप बिना प्रसाद के आ नहीं सकते, वहाँ पर मर्यादा है, सर ढक के जाएंगे आप वहाँ पर। और पवित्रता है, पर्दा है तो हमारे इस्लाम में है जी। वहाँ की माताएं बहनें देखो कितनी शालीनता से रहती हैं है? और एकता है तो ईसाइयों में है जी। भगवान हमारे थे 12 वर्ष के और राधा रानी थी 16 वर्ष की, अपने नाम के पीछे कृष्ण को जोड़ने लग गए लोग, तो ये बड़ी जो है निकृष्ट सोच है। हम कृष्ण दास हो सकते हैं है? हम कृष्ण सखा हो सकते हैं, हम अपने नाम के पीछे कृष्णा को नहीं जोड़ सकते, जैसे कि चंद्र कृष्ण। हरिदास सर जी नमस्कार, आपका हमारे इस शो पे जिसका नाम है द मनोजन नागेश्वर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार हूँ जी, और मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जो आपने इस दास को इस लायक समझा कि हाँ आपके मंच से आपके चरण से कुछ आध्यात्म की चर्चा की जाए। और मैं सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पर कुछ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जैसा कि बाकी जी सर, सो नाइस ऑफ यू। ये तो आपका बड़प्पन है कि मतलब आप ऐसे बोल रहे हैं हमें, ये आपका बड़प्पन है सर। सर आज हम बात करेंगे जो कि आप सेवा करते हैं, जैसा कि आप एक सेवादार हैं गौशाला में, जो लाचार हमारी गायें रहती हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं, साथ के साथ आप एक सिंगर भी हैं जी, आप भजन कीर्तन भी करते हैं, आपके यूट्यूब से कई सारे गाने भी आए हुए हैं जी, जी। और साथ में सर आप भक्ति भावना मेडिटेशन वगैरह भी, ये इन सब में भी आप लगे हुए हैं, तो हम इन सब पे थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा से बातें करेंगे जी। सर सबसे पहले थोड़ा मेडिटेशन पे, थोड़ी भक्ति भावना पे बातें करते हैं जी। सर मेडिटेशन हमें आज के टाइम में क्यों करना चाहिए? कुछ ध्यान योग हम लोग आध्यात्म, जैसा कि शब्द है आध्यात्म जी, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, एक केंद्र बिंदु करना। यदि कोई ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट होता है कि वो सामने देखेगा, अगर गाड़ी फुल स्पीड जा रही है मनोज जी तो वो 10 मिनट राइट नहीं देख सकता, लेफ्ट नहीं देख सकता। जैसे कि शुरू में हमारा उद्देश्य है, मनुष्य इस संसार में आया है तो परमात्मा की, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? ध्यान करने से, स्मरण करने से। और जब कोई जीव आता है इस संसार में तो वो भी 2-2.5 वर्ष तक मौन धारण रहता है, जब बच्चा बोलना नहीं जानता तो भी एक ध्यान की मुद्रा होती है। आध्यात्म अध्ययन करना, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, और मन की शांति कैसे प्राप्त होती है? एकांत में जाकर। और ये हमारे गुरु महाराज जी की ऐसी असीम कृपा है कि जो हम भी सेवा कार्य कर रहे हैं तो हमने ध्यान किया, हमारा टारगेट था कि गुरु महाराज जी, जो मेरे परम पूज्य गुरु महाराज जी हैं, वो एक कपल्स, एक दंपत्ति भजन गायक हैं, तो परम श्रद्धेय कैलाश गुरुदेव पीयूषा माता जी, तो उन्हीं की कृपा से जो भी कुछ हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, कुछ ईश्वर करवाता है। जैसे तुलसीदास महाराज जी का एक उद्देश्य है कि तुलसीदास महाराज जी ने रामायण श्री में एक भगवान राम जी ने भी ध्यान किया, अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति हुई, तो भगवान ने ध्यान किया। जब भगवान ध्यान कर सकते हैं, भगवान शिव हैं, वो हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, उनकी भगवान की जो शिव है, ये हम सब शिव है, हमारे अंश में, ये हमारे जो घट में बैठा शिव है, और जब ये शिव निकल जाता है तो शव बन जाता है, तो मुर्दा भी जो वो भी है वो भी एकदम ऐसा लगता है कि जैसे ध्यान में वो सो रहा है, हालांकि सांस बंद होती है, वहाँ भी एक ध्यान मग्न हो वो आके साइलेंट मोड पे आ जाता है। तो इस प्रकार से ये ध्यान की मुद्रा वेदों में बताई गई। और जैसे ध्यान योग की जो परिभाषा है मेडिटेशन की, एक ध्यान योग की, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, तो इस तरह से अंत में जो समाधि बताई गई है, समाधिष्ठ हो जाना यानी एकाग्र हो जाना अपनी आत्मा का। जी हाँ, प्रत्याहार का क्या मतलब होता है? प्रत्याहार का मतलब है कि हम लोग जैसे
इस शब्द का अर्थ बताया गया कि प्रत्याहार जो हमारे, जैसे हमें क्रोध, काम क्रोध, लोभ, इनसे अलग हटके, मतलब ये प्रत्याहार या अटैक ना करें हम पर, इन सब से बच के जो है ध्यान की धारणा। अगर आपके अंदर असीम शांति आ गई है तो ये समझ लीजिए आपको कोई गलत वचन भी बोलेगा तो आपको क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि आपने क्रोध पर विजय किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध पर विजय प्राप्त करने का कारण है कि हमने मन की शांति को प्राप्त कर लिया है मनोज जी, और अब हमारे अंदर सहन शक्ति आ गई। अब हमें ये लगता है कि अब हम जीवन में, हमारे उद्देश्य दो हैं। तुलसीदास महाराज जी ने उद्देश्य बताया है कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए प्रेम लगन लगाए, और ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, और तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि का नाम। तो हम लोग आज अपनी आत्मा का अध्ययन नहीं कर पा रहे, तो आज हमारी देखिए रामायण त्रेता युग में आई, तो ध्यान नहीं हो रहा तो हम आज संकटों से घिरे हुए हैं। त्रेता युग में रामायण आई, द्वापर युग में महाभारत, सेकंड दूसरे नंबर पे हमारी महाभारत थी, पहले नंबर पे तो हमारी रामायण जी है। आज भी कहीं कहीं पाठ होता है रामायण जी का, तो महाभारत जहाँ, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अधिकांश देखा जा रहा है कि अब रामायण का तो कहीं कहीं चर्चा है, लेकिन हर घर में महाभारत है। मन इतना हमारा स्तर गिरता जा रहा है क्योंकि हम ध्यान नहीं कर रहे। अब किसका ध्यान करें जो आपको अच्छा लग रहा है। गुरु ये शरीर नहीं है, गुरु तो हमारा मनोज जी एक टारगेट है। जैसे कहा गया है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, वहां भी ध्यान की परिभाषा दी गई है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान अगर संसार का किसका करें जो आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आपको देख के सुख की अनुभूति हो रही है, उसका हम ध्यान करते हैं। ध्यान की धारणा ये है, अगर हम कोई हमें लाइक हम किसी को कर रहे हैं, कोई हमें भा गया है, तो आपने उसको समर्पण भाव दे दिया। समर्पण भाव क्या है कि जो आप किसी के प्रति समर्पित हो जाएं। जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, और जहां तर्क है वहां नरक है। तो ये हमारी एक आपके चैनल से बात की, अध्यात्म की चर्चा हो रही है, जो भी दर्शक सुनेंगे, तो ये कुछ हम लोग लाइव एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपने भी ध्यान किया होगा, अब जैसे नवेद जी ने हमारा ध्यान किया, प्लानिंग की, तो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो पहले तो ध्यान आया ना, पहले तो नॉलेज में आया कि भाई आज हरिदास जी को बुलाना है, कुछ चर्चा करनी है। तो आज हम ये कि आध्यात्मिक चर्चा चल रही है हमारी, जीवन का उद्देश्य क्या है कि मैं अपने अंदर असीम में शांति भरी हुई है। एक भजन के माध्यम से भी कहा गया है, पुराना एक भजन था कि मन के भीतर क्यों ना झांके, बाहर की तू माटी फांके, मन के भीतर क्यों ना झांके, फिर काहे तू सारी उमरिया, फिर काहे तू सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोए, सुख के सब साथी दुख में न को। तो हम आज सुख आता है तो हम अभिमान करते हैं, दुख आता है तो हम रोने लगते हैं, लेकिन सुख और दुख तो पहलू है। यहाँ कबीर साहब महाराज जी ने भी अपना इस बात पे अपना एक दोहे के माध्यम से शिक्षा दी है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होए। प्रेयर इज पावर, हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन ईश्वर की कब अनुभूति है? हमारे एक ब्रिज में कहावत है हम लोग वृंदावन से कि धरती लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने। जब विपत्ति पे आप याद करोगे, याद प्रेयर इज पावर, याद करोगे तो दया भी आएगी हमारे अंदर, दया उसको दया आएगी। क्यों? क्योंकि अगर अपना कोई बेटा अपने पिताजी को नमस्कार कर रहा है, उसको याद कर रहा है, तो वो तो हमेशा बैल उसका विषय है, वो तो हमेशा जो है एक तैयार रहता है कि भाई मेरा बच्चा अगर मुझको याद कर रहा है, मेरा बच्चा मुझको, तो मुझे जो है बड़ी खुशी है। तो वो भी हमारा एक परम पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं, हम आत्मा हैं, हम कितनी सारी आत्माएं हम यहाँ संसार में आ रही हैं। अब जैसे हमारे नारद जी थे,
वो भी एक मैसेंजर, जैसा हम यहाँ मैसेंजर हैं फेसबुक पे हम हैं, तो उस समय के नारद जी सबसे बड़े मैसेंजर थे। अच्छा, नारद जी ने सब जगह मैसेज पहुंचाते थे उस टाइम के मैसेंजर नारद, नारद जी का, नारद जिसकी बात को रद्द न किया जा सके, तो नारद जी हमारे सबसे बड़े मैसेंजर थे। और जब ये हम लोग मृत्यु लोक में हम रह रहे हैं यहाँ पर, तो उस समय भगवान जी से नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, हम मृत्यु लोक से भ्रमण करके आ रहे हैं और सभी प्राणी अपने पूर्व पाप कर्मों के कारण हम लोग सब दुख पा रहे हैं, कोई ऐसा सरल उपाय, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए प्रभु जी कि इन सब का दुख दूर हो। तो भगवान ने एक ईष्ट की कथा, एक हरि की कथा, जहाँ भगवान की चर्चा होगी वहाँ जो है ये व्यथाएँ खत्म होंगी, वहाँ पर पाप नहीं हटेंगे। तो भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप रखे हैं, एक ब्राह्मण को एक युक्ति बताई कि तुम किस प्रकार भटक रहे हो, कि हे प्रभु मैं मृत्यु लोक का प्राणी हूँ और मुझे, मैं अपनी भूख प्यास के कारण मैं भिक्षा याटन करता हूँ। तो उन्होंने, भगवान ने कहा आप हरि की चर्चा करो। तो उस उन्होंने जो है, ब्राह्मण थे जो भिक्षा मांगते थे, अपना अन्न जल एकत्रित करते थे, अपना आहार भोजन की व्यवस्था करते थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई कल जो मुझे भिक्षा में धन मिलेगा जी, उस धन को जो है, उस धन से मैं भगवान की कथा श्रवण करूंगा अपने बंधु बांधवों के साथ। तो संकल्प लिया, ध्यान किया, तो पूरी रात उनको नींद नहीं आई। अगले दिन वो स्नान ध्यान करके हरि का स्मरण करके नगर को भिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, तो उन्हें 10 गुना धन मिला, पहले से 10 गुना धन मिला। तो हम लोग संकल्प करते हैं, ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करें? आप अपने माता पिता का ध्यान करो, आपके माता पिता ने कि भूलो सभी को, पर माँ बाप को मत भूलो। शरवण, सर्वोपरि शरवण का नाम आता है। माता पिता अंधे थे जी। उन्होंने कहा मैं संकल्प करूँगा, मैं आपको भ्रम तीर्थ यात्रा कराऊँगा। शरवण ने जो है, बाकी दशरथ, राजा दशरथ के जो है बाणों से जो उनकी मृत्यु हुई, तो उनको श्राप मिला, उनके माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, हे राजन तुम्हारी मृत्यु भी ऐसी होगी। तो अब पुत्र तो था नहीं, तो राजा दशरथ ने सोचा जब मेरे पुत्र नहीं है और मैं पुत्र वियोग में मरूंगा तो हो सकता है मेरा पुत्र मुझे मिलेगा वृद्धावस्था में। तो एक नहीं चार पुत्र, राजा राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए। तो अब ये तो वरदान हुआ, लेकिन उन्हें भी पुत्र वियोग में मरना पड़ा जी। और एक भजन के माध्यम से हम इसको, मैं 4 लाइन सुनाऊंगा आपको भजन की जी। कि त्रेता में राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते, यदि चारों धाम न होते तो जग कल्याण न होता, कि जग कल्याण न होता। त्रेता में राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते, यदि चारों धाम न होते तो जग कल्याण न होता, कि जग कल्याण न होता। यदि राम जी का वन गमन न होता और दशरथ जी का मरण न होता, मरण ध्यान में मरे, उनके योग में मरे जी, न वो बन जाते न वो मरते जी। यदि राम जी का वन गमन न होता और दशरथ जी का मरण न होता, सीता चुराई न जाती, लंका जलाई न जाती, सीता चुराई न जाती, लंका जलाई न जाती। यदि रावण मरण न होता, यदि रावण मरण न होता तो जग कल्याण न होता, के जग कल्याण न होता। त्रेता में राम न होते, अब राम जी की ऐसी कृपा हुई, हनुमान जी परम भक्त थे राम जी के, अगर वो न होते, हनुमान जी न होते उनके जीवन में तो क्या होता। तो यदि राम जी के संग हनुमान न होते, कौन संजीवन लाता लखन प्राण बचाता, कौन संजीवन लाता लखन प्राण बचाता। यदि लखन मरण हो जाता तो जग कल्याण न होता, के जग कल्याण न। ये त्रेता की बात बताइए मनोज जी। द्वापर में ये भजन प्रस्तुत दास का लिखा हुआ है, ये कुछ लिखने का प्रयास किया हमने कि भाई ये रामायण काल में हुआ, भगवान राम आए, हनुमान जी उनके साथ निकट रहे, आज भी हनुमान जी हमारे साथ हैं,
जिस समय रामायण काल समाप्त हुआ है, वही चीज में पूछना चाहता हूँ। जैसे सर त्रेता में, हमारे त्रेता में थे एक जो भगवान अवतार थे वो राम जी थे। जी जी। द्वापर में, द्वापर में भगवान श्याम आए, उन्होंने अपनी लीलाएं की। हाँ, और त्रेता में कल्कि भगवान जी का यह है कि उनका अवतरण होगा, कल्कि भगवान जी आएंगे त्रेता। हाँ, जो 9 अवतार हुए भगवान जी के। जी जी। और इसमें कल्कि भगवान जी आएंगे, कल्कि भगवान जी का ये है। तो सर उनका आगमन हो चुका है, देखिए ये तो देखो आना बाकी है। देखिए अभी कलयुग की क्या है, अभी ये बचपन चल रहा है कलयुग का। कलयुग का ये बचपन चल रहा है, अभी तो कलयुग बहुत लंबा है। अच्छा, ये हमारे जो हमेशा चार युगों में है, त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग। जी। तो ये तो रामायण जी में तुलसीदास महाराज जी ने रामायण पे, हम जैसे हमारी चर्चा चल रही है, तो तुलसी जब रामायण काल समाप्त हुआ, भगवान जाने लगे, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि चलो वत्स, अब हम चलते हैं, अब हमारा अपने धाम को चलते हैं। तो हनुमान जी ने मना कर दिया कि प्रभु मैं नहीं जा पाऊंगा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम तो हमेशा मेरे साथ निकट रहते थे, आज उन्होंने कहा नहीं प्रभु, अब मैं आपका ध्यान करूंगा, आधा जीवन तो आपकी आज्ञा थी, सीता माता जी की खोज में लगाया मैंने, फिर युद्ध में मैं रहा आपके साथ, लेकिन अब मैं ध्यान धारण करूंगा। तो ये नवनिधि से सीता माता जी ने इनको नवाजा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, तो 8 सिद्धियों का अजर अमर तुम रहोगे, वत्स शोक निवारा तुम सीता शोक। तो हनुमान जी, अश्वत्थामा जी, विभीषण जी, ये ऐसे अवतार हैं जो आज भी साक्षात इनके प्रमाण मिले हैं, इनके आज भी हैं। अश्वत्थामा तो आज भी कई लोगों को दिखाई दिए हिमालय पे, तो उनका आज भी जो जख्म है आज भी ताजा है। अश्वत्थामा तो कई जगह उन्होंने, अभी मैं भी एक चैनल में देख रहा था इतिहास में मनोज जी, कि वहाँ भी प्रमाण मिले कि अश्वत्थामा जी रात को कभी कभार इस मंदिर पर आते हैं, चहल पहल होती है। कहाँ की बात बता रहे हैं? ये आपके केदारनाथ के आसपास कोई धाम है, तो वहाँ आज भी वहाँ प्रमाण मिले, इस मैं चैनल पर देख रहा था, तो आज भी वो प्रमाण मिले हैं वहाँ अश्वत्थामा के आने का, कई लोगों ने साक्षात अपनी आंखों से भी देखा है इनको। और आज भी हमारे वृंदावन में भगवान जी आज भी आते हैं, कृष्णा जी हमारे निधिवन में, तो आज भी भोग रखा जाता है। वृंदावन तो काफी शक्तिशाली। हाँ हाँ, वृंदावन, जैसे थोड़ा सा राम जी पे चर्चा चल रही थी, इसके वृंदावन की हम बात बताएंगे अभी। तो अब भगवान ने कहा कि प्रभु आप मुझको वहां से याद करना, मैं आपको यहाँ से याद करूँगा, आप तो अपने धाम में जा रहे हैं वैकुंठ धाम में, मैं यहाँ रहूंगा कल इसमें, लेकिन जहां आपका नाम होगा सबसे पहले मेरी हाजिरी होगी। रामायण काल में इनमें 7 कांडों में से सुंदर कांड को ही क्यों सर्वोपरि रखा गया, कि इसमें सारे कार्य मनोज जी सुंदर हुए जी। सारे कार्य सुंदर हुए इसमें, राम जी को हनुमान जी मिले हैं, राम जी के दर्शन हुए हनुमान जी को, और विभीषण जी का उन्होंने पहले रास तिलक कर दिया, और बाली का संहार हुआ, सुग्रीव जी को अपना खोया हुआ राज प्राप्त हुआ जी। सीता माता जी की खोज हुई। तो इसमें क्या है मनोज जी, कि इसमें जो है सीता माता जी की, इसमें सारे कार्य सुंदर हुए हैं इसमें, तो इसको सब सर्वोपरि माना गया कि भाई इस कांड का हम निरंतर पाठ करें तो हमारे घर में कभी भी रोग दोष संकट ये नहीं आ सकते जी। और जैसे 40 चौपाइयां तुलसीदास महाराज जी ने यहाँ बताई हैं, 40 चौपाई, तो ये तो रामायण, तो इसमें हम डेली अगर इसका हम पाठ करते हैं, और बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, आचार्य कहते हैं, माताओं बहनों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, 8 सिद्धियों का मालिक बताया हनुमान जी ने उनको, 8 सिद्धियों से उनको नवाजा गया, 9 निधि से उनको उनकी शक्ति दी। तो क्या वो नारी नहीं थी क्या, वो तो माता का रूप थी, तो माता बहनों को तो करना चाहिए। सीता माता जी की भी खोज तो उन्होंने हनुमान जी ने की। तो मैं, जो भी मेरे भाई बहन दर्शक जो भक्तगण इस हमारी चर्चा सुन रहे हैं, आप एक सुबह शाम आप 2 पाठ कीजिए, 2.5 मिनट का है, 5 मिनट दीजिए, तो आप देखेंगे सभी संकटों से। और तुलसीदास महाराज जी ने भी लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह छल छेद्र कपट कवहुन भावा। निर्मल मन में भगवान का वास होता है। अब
मनोज जी हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं कार्य से जा रहे हैं, तो वहाँ तुलसीदास महाराज जी की चौपाई आई है रामायण जी की, कि हम लोग कहीं जाते हैं तो इस चौपाई का हम लोग स्मरण करें जिस समय लंका में प्रवेश कर रहे थे। कौन सी चौपाई से? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवेश कर रहा हूँ मैं लंका नगरी में, 4 बजे हनुमान जी गए हैं, पहुँचे हैं, तो उन्होंने लंकनी को प्रहार किया है, लंकनी वाद विवाद हुआ है उनका, कि चोर मैं नहीं हूँ, चोर तो यहाँ से जा चुका है सीता माता जी को चुरा के। 4 बजे वो पहुँचे तो देखे ये किसी भक्त का घर है, तुलसी देखी उन्होंने आंगन में, और भगवान के चक्र सुदर्शन चक्र देखा, तो ये किसी भक्त का घर है। और राम जी जो है विभीषण जी को तो ये था भगवत प्राप्ति करूँगा मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न धन न ऐश्वर्य न राज न पाठ कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु की अनन्य भक्ति चाहिए, मैं तो उनका दास बन के रहना चाहता हूँ। तो नित्य प्रति जो 4 बजे का जो समय है वो हमारे वृंदावन में 4 बजे की जो फर्स्ट जो आरती होती है भगवान जी की वो मंगला आरती होती है। हमारे यहाँ लिखा है विष्णु पुराण में भी, जो नित्य करेगा मंगला वो कभी नहीं होगा कंगला। तो इस 4 बजे आप अपने इष्ट का नाम लेते हैं तो आपके घर में कभी कंगाली नहीं आ सकती। क्यों? जहाँ रामायण होगी वहाँ भगवान विष्णु का वास होगा, रामायण में तो विष्णु गाथा है, और जहाँ भगवान विष्णु रहेंगे वहाँ सदैव लक्ष्मी विराजेंगी। क्यों? क्योंकि उनकी धर्मपत्नी है, उनकी भार्या है जी। अब ये भजन, जैसे मैंने तीनों युगों में ये भजन की बात चली हमारी, त्रेता युग की मैंने बात सुनाई, हनुमान जी ने सेवा की है, लक्ष्मण जी के वो संजीवनी थी, और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई। अब तो इसमें हमने द्वापर युग के लिए क्या थोड़ा सा शब्दों का थोड़ा मर्यादा रखी है, जोड़ा है, यदि अर्जुन के संग श्री कृष्ण न होते तो भाई दुर्योधन हारे न होते, सारा राज्य चला जाता कुछ हाथ न आता, सारा राज्य चला जाता कुछ हाथ न आता, यदि महाभारत रुक जाता, यदि महाभारत रुक जाता तो जग कल्याण न होता, कि जग कल्याण न होता, यदि कलयुग में गुरुदेव न होते। अब आपके कोई गुरु रहे, आपको ये प्रेरणा मिली कि इस माध्यम से हम अपनी चर्चा को जन जन तक पहुंचाएं, तो जो प्रेरणा आई वो भी तो गुरु की कृपा से आई है। यदि कलयुग में गुरुदेव न होते, यदि कलयुग में ये संत न होते, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और संत जगत में ना होते तो जल मरता संसार। अभी भी कुछ धर्मात्मा लोग हैं जिनकी ये कृपा से सृष्टि हुई है। अब गुरु, अब हमने, हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, लेकिन ज्ञान तो गुरुदेव ने दिया है कि ये भगवान, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गोविंद ने गुरु दियो बताए, कि मैं तुम मेरे गुरु जी ने तो ज्ञान दिया है, भगवान के भी गुरु हुए हैं। यदि कलयुग में ये दास हरिदास न होता, कौन भजन सुनाता, कौन सत्संग सुनाता, कौन भजन सुनाता, कौन सत्संग सुनाता, यदि गुरुदेव हरण हो जाता तो जग कल्याण न होता, कि जग कल्याण न होता, त्रेता में राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते, यदि चारों धाम न होते तो जग कल्याण न होता, कि जग कल्याण न होता। तो इस तरह से ये भजन हमने संकलन किया, जो दिमाग में आया वो लिखा, और आज भी अब वृंदावन निधिवन की हम चर्चा कर रहे हैं। निधिवन में मनोज जी सर हाँ। एक बार वृंदावन से जाने से पहले ये मैं कुछ थोड़ा अवश्य जैसा कि अभी हम मेडिटेशन पे, अभी आत्मिकता पे, आध्यात्मिकता पे हम बातें कर रहे हैं, तो मैंने ना अभी, मुझे दो महीना स्टार्ट हो गया जी, जी, तो मैं बहुत इस चीज में जा रहा हूँ, मेडिटेशन में जा रहा हूँ, ध्यान में जाता हूँ, बैठने जाता हूँ, अति सुंदर। तो अभी सर मुझे 5-6 दिन से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि जैसे मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ जी मनोज जी, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो अंधेरा करके बैठता हूँ पूरा जी जी। सपोज मैं यहाँ पे भी बैठता हूँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है जी, अवश्य हो तो, मतलब मुझे डर लगता है सर, देखिए मुझे डर लगता है, जिस वजह से सर, जिस वजह से आपकी जो आपने जो अपना अनुभव बताया अभी जी, अर्जुन भगवान जब कुरुक्षेत्र में भगवत
गीता तो बाद में सुनाई है, पहले अर्जुन को समझाया है कि मैं भिक्षा मांग के भोजन कर लूँगा, पर इन पर शस्त्र, डर गए अर्जुन कि जो मेरे गुरु हैं, मैं गुरु हत्यारा नहीं बनूंगा, मैं बंधु हत्यारा नहीं बनूंगा, ये मेरे भाई हैं, मेरे चाचा ताऊ हैं। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अब तुम युद्ध भूमि में हो तो तुम्हें डरना नहीं है, अब तुम्हें अपना कर्म करना है। डर धीरे धीरे, अब हम जैसे चूल्हे में आग लगाते हैं तो पहले धुआं आता है, आँखों में लगता है, लेकिन धीरे धीरे हिम्मत, कहते ना हारिय न हिम्मत विसारिय न राम, हारे का हरि नाम, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप उसी समय को आप बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए। एक कोई जो आपको अच्छा लगता है मंत्र, यानी कोई मन के अंदर कोई शक्ति आई है, कोई शब्द चल रहा है, वो आपकी पावर बन जाता है, फिर आपको डर नहीं लगेगा। धीरे धीरे अर्जुन को भी डर लगा, फिर भगवान ने भगवद गीता सुनाई, करोड़ों मर रहे हैं करोड़ों जिंदा हो रहे, ना जाने तुम मेरे कितने बार पुत्र बने, मैं तुम्हारा पिता बना, यही सृष्टि का क्रम चक्र है, आत्मा है, इस शरीर से आत्मा निकल जाता है, ये शरीर गल जाता है, फिर नया शरीर प्राप्त होता है। तो ध्यान करो, आप अगर आप वहाँ से अभी कनेक्ट हुए नहीं है, जिस दिन आपको ये आपको कनेक्शन हो जाएगा, जिस दिन अब ये लाइट आ रही है, हम उजाले में बैठे हुए हैं, लाइट आ रही है तो ये पावर हाउस से आ रही है, तो हम सब आत्मा है, वो परमात्मा हमारा एक पावर हाउस है, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपका डर अपने अंदर, जैसे अर्जुन का डर खत्म किया भगवान जी ने भगवद गीता सुना के, तो वही जो है आपका, आप निरंतर करते रहिए, इस चीज़ को बढ़ाते रहिए। और डरना तो जब आप किसी की, आप जब ध्यान कब करेंगे, जब तक हरि की कृपा नहीं हो सकती, आप ध्यान मेडिटेशन में नहीं आ सकते। यानी खुद से जुड़ना, आध्यात्म यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करना जी। अपने अंदर खोज करना, तो हम खोज करेंगे जभी तो हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और अंधेरे के बाद उजाला ही होता है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब जैसे कि हम वृंदावन की चर्चा चल रहे थे, पहले शब्द पे आते हैं वृंदावन, यानी वृंदावन, वृंदा तुलसी के लिए भी बोला गया, जहाँ तुलसी का वन हो। और एक शब्द और इससे निकलता है कि वृंदावन यानी निरंतर वंदन हो रहा हो, जहाँ हम कृष्ण का हम वंदन कर रहे हैं, कृष्ण माने आकर्षण, इम्प्रेशन, निरंतर जहाँ उसका वंदन चल रहा है वही वृंदावन है। और आज भी वहाँ भगवान की लीलाएँ हैं, आज भी वहाँ आप जाइए तो आपको ऐसी अनुभूति होगी जैसे कृष्ण साक्षात आपके साथ खड़े हुए। अच्छा जी हाँ, आज भी निधि वन में आप जाइएगा तो शाम के 6 बजे के बाद जैसे अंधेरा आने लगता है, वहाँ पशु पक्षी भी नहीं रुकते, वो भी बाहर आ जाते हैं। वृंदावन मंदिर की बात? जी हाँ, मंदिर की। हाँ, आज भी भगवान को भोग रखा जाता है, भगवान को माखन मिश्री का भोग रखा जाता है, स्वीट भोग प्रसाद रखा जाता है, लड्डू बर्फी जो भी आइटम रखा जाता है। अगर 4 लड्डू हैं तो उसमें से आपको 2.5 मिलेगा, 2 राधा रानी के लिए, उनका मान्यता है, पौराणिक मान्यता है, ये द्वापर युग है, तो 5000 साल पहले की हमारी घटना है, जो आज भी साक्षात्कार करती है इन बातों को। कि अब कई लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया, प्रेस वालों ने इस चीज़ का, भाई ये तो तुम सब जो है अपने आप ही करते हो, ये सब ये धन लेने की इच्छा होती है। तो चमत्कार को नमस्कार है, कोई बात नहीं, इस बार हम चैनल वाले हम लोग ठीक है, कैमरे अंदर रहेंगे, हम लोग बाहर रहेंगे, और रात को कोई रुकता नहीं है, लाइव रिकॉर्डिंग हुई पूरी रात। सुबह चादर जैसे भगवान के लिए जल रखा जाता है चांदी के बर्तन में, गंगा जल रखा जाता है, चंदन की दांतून रखी जाती है, और माखन मिश्री। तो सुबह क्या दशा होती है, सुबह 4 ताले जब सील उन्होंने अपनी चैनल वालों ने अपनी लगाई, जब सुबह, अभी ये चैनल अभी 3 साल पहले की घटना है, 3 साल पहले जब लाइव रिकॉर्डिंग हुई थी, कम से कम वहाँ 10-12 चैनल वाले थे। अच्छा, तो उन्होंने मनोज जी, उन्होंने जो पूरी रात रिकॉर्डिंग हुई है, सुबह क्या देखते हैं, चद्दर सुखड़ी हुई मिलती है वहाँ पे, जैसे नित्य प्रति सुबह दर्शन होते थे जी, जी। कि अभी जैसे आप कोई सो के उठा हो, वो अब पानी बिखरा हुआ मिलता है, माखन मिश्री पे भगवान की उंगलियों के निशान मिलते हैं, वो मिठाई खाई हुई मिलती है, दांतों घिसी हुई मिलती है। उनका मान्यता है कि भगवान जब रात्रि को विश्राम करेंगे 3रे पहर में 3 बजे, तो वो विश्राम करेंगे, चाहे 1 घंटे के लिए विश्राम करें तो यहाँ से उठ के वो जाएंगे, पहले यहाँ विश्राम कर। आज भी वहाँ एक आसन पलंग लगा हुआ है भगवान जी का, तो
आज भी वह नित्य प्रति लीलाएं होती है, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं आया। अच्छा जी हाँ, कैमरे में कुछ आया ही नहीं। अब वो तो चैनल वालों ने सील लगाई थी, उन्होंने खुद ही सील आके खोली। तो बहुत अच्छा, कई लोग वहाँ हर प्रकार के हम होते हैं, एक जिद्दी भक्त होते हैं कि मैं भगवान के दर्शन करूँगा। अब एक थे व्यक्ति, वो तो वहाँ पुलिस प्रशासन भी है वहाँ पर, रात्रि को सबको निकाल देते हैं बाहर। तो एक व्यक्ति वो वहाँ अंदर झाड़ियाँ हैं, वहाँ की लताएँ पताएँ वृक्ष भी एकदम बिल्कुल टेढ़े मेढ़े मिलेंगे, तो उनकी मान्यता है कि भाई ये गोपियाँ बन जाती हैं रात को, और आप ऐसा देखेंगे कि बिल्कुल एकदम टेढ़े मेढ़े आप जो है वो वृक्ष होते हैं वहाँ के। अब उन्होंने व्यक्ति ने उनको देख लिया, भाई तुम यहाँ कहाँ छुप रहे हो, चलो बाहर चलो। अब एक बार दिन में वो जाके अंदर झाड़ियों में छुप गए, किसी को नज़र नहीं आए। तो सुबह देखते हैं वो सज्जन, उनको पैरालिसिस हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया, मुंह से झाग निकल रहे हैं और वो पूरा पैरालिसिस हो गया, उनको बोल भी नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई ये उनको जब अचेत अवस्था मिली उनकी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो कोई उनके शिष्य हैं, गुरुजी को बुलाया गया, तो उनको अपने आश्रम ले जाया गया। इशारे से उन्होंने कागज़ पेन मांगा उन्होंने। अच्छा। तो हाँ, कागज़ पेन से उन्होंने, मनोज जी, तो उस पर आज भी वो पत्र रखा हुआ है संग्रहालय में कि मैंने अपने परम पूज्य गुरु महाराज जी की असीम कृपा से मैंने कृष्ण और प्रिया प्रीतम श्री राधा रानी के दर्शन करे हैं, अब मुझे संसार देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, आज भी भगवान की साक्षात कृपा है। तो वहाँ लोग आते हैं, मन की शांति है, दर्शन करके आते हैं, वहाँ लोग रहते भी हैं। तो आज धाम लोग, ये धाम है, आप चले, आज भी भक्ति है वहाँ पर। तो हम लोग विश्वास से हटते जा रहे हैं, हम लोग ध्यान से हटते जा रहे हैं, इसलिए चिड़चिड़ापन, इसलिए हमारे जीवन में जो है माता पिता का सम्मान नहीं रहा। तो हम माता पिता का सम्मान नहीं करते। तो अभी जैसे भजन में कहा गया है, हर बात को तुम भूलो कभी, माँ बाप को मत भूलना, एहसान है इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। तो हम माता, आज जो कुछ प्राप्त किया अपने माता पिता, अगर वो हमें जन्म न देते तो हम इस संसार को कैसे मिलते। हमारे गुरु महाराज जी कृपा हुई है, गुरु की जी का सम्मान करना चाहिए, गुरु जी के वचनों पर चलना चाहिए। तो कहते हैं ना कि गुरु की जब कृपा होती है, जब ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब ही हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, बिना गुरु के तो हम ज्ञान मिलता नहीं है। जिस प्रकार गंदे बर्तन में अगर दूध डाल दोगे तो वो फट जाएगा। अब गुरु कैसा है, गुरु को ऐसा होना चाहिए जैसे सूप की तरह। जैसे तो हम माताएं बहनें, आप भी आप गांव चले जाएंगे तो माताएं बहनें जब वो सूप में नाच को, इस गेहूं को जब वो उसको ऊपर नीचे करती हैं तो वो मिट्टी जो है बाहर चली जाती है और वो नाच। तो गुरु की ऐसी कृपा होनी चाहिए। गुरु कैसा चाहिए, जो ज्ञान गुरु है, शरीर गुरु नहीं है। शरीर से पाप कर्म होते हैं। अब आज पर्याय देखा जा रहा है कि हम लोग अपने आप को भगवान कहने लगे, हम अपने आप को भगवान समझने लगे। अब वो तो परमपिता, हम परमात्मा है, हम उसके दास तो बन सकते हैं लेकिन हम भगवान नहीं हो सकते। हमारे वृंदावन में सुरेश कृष्ण जी, ये कृष्ण अपने नाम के पीछे कृष्ण को जोड़ने लग गए लोग। तो ये बड़ी जो है निकृष्ट सोच है। हम कृष्ण दास हो सकते हैं, हम कृष्ण सखा हो सकते हैं। तो हम जो है, हम अपने नाम के पीछे कृष्णा को नहीं जोड़ सकते, जैसे कि चंद्र कृष्ण। हाँ, चंद्र तो चंद्रमा कृष्ण है, नहीं जैसे यहाँ पे नाम लोगों के मैंने देखे। हाँ, चंद्र कृष्ण में भी कोई नहीं है, चंद्र यानी कृष्ण, चंद्र में कृष्ण के दर्शन। लेकिन हम अपने अमित कृष्ण वो नहीं बोल सकते हम। अच्छा। सुरेश कृष्णा हम नहीं बोल सकते, मृदुल कृष्ण बोल सकते हैं, मीठा कृष्ण तो वो बोल सकते हैं, लेकिन हम दास परंपरा है, हम दास बन सकते हैं। भगवान हमारे थे 12 वर्ष के और राधा रानी थी 16 वर्ष की। तो अब भगवान ने 7 ताले खोले, टूटे नहीं थे, खुले थे। और भगवान ने और जो है गोकुल में लीलाएं की भगवान ने। भगवान बाल रूप में आए, ब्रह्मा जी का मान घटाया, ये सब मेरे बाल ग्वाल हैं, देव हैं। तो
हम लोग क्या है, जातिवाद में फंस रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। हम लोग भेदभावना जो नहीं होनी चाहिए। आज प्रायश्चित देखा जा रहा है, अगर सेवा है तो आप गुरुद्वारे में जाइए, आपको गुरुद्वारे में आप बिना प्रसाद के नहीं आ नहीं सकते, वहाँ पर मर्यादा है, सर ढक के जाएंगे आप वहाँ पर जी। और पवित्रता है, पर्दा है तो हमारे इस्लाम में है जी। वहाँ की माताएं बहनें देखो कितनी शालीनता से रहती हैं है? और एकता है तो ईसाइयों में है जी। हमारे क्या है कि हम लोग ये, हम लोग गोत पूछते हैं, हम लोग जो हमारे ये जो ये हमारा वाल्मीकि समाज है, हम लोग घृणा करते हैं, हम लोग इनको अलग करते हैं। तो अब ये क्या है, अब आप मान लीजिए कहीं मेरा अपमान होगा, कहीं मेरा सम्मान है, जहाँ मेरा सम्मान है वहाँ तो वहाँ जाऊँगा। तो अक्सर ये देखा जाता है कि सबका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, वो मालिक तो सबका एक है। अब जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि बच्चे को स्कूल में हम किसी और नाम से बुलाते हैं, उसके दादा दादी किसी प्यार से कोई और नाम बुलाते हैं, बच्चा तो एक ही है और हम सब अलग अलग नामों से बुलाए जा रहे थे। भगवान जी को केशव, गिरधर, गोपाल, अनेक नामों से सबने पुकारा, लेकिन कृष्ण तो वो तो भगवान विष्णु का अवतार थे। तो भगवान की ऐसी कृपा रही है हमारे ऊपर कि हम लोगों ने समर्पण भाव नहीं दे पा रहे हैं। आज सहन शक्ति क्यों घटती जा रही है, मान सम्मान नहीं है। जब भगवान का ही सम्मान नहीं है, तो सबसे पहले तो नीचे अपने माता पिता हैं, अपने बुजुर्ग हैं घर के, उनका सम्मान नहीं है। हमारे आप वृंदावन में जो हमारे बच्चे हैं उनके नाम भी कृष्ण के ही है। अब कृष्ण है, केशव, गिरधर, गोपाल, गोविंद, ये तो बच्चों के। और हमारी बच्चियों के क्या नाम मिलेंगे, चित्रा, सुलेखा, राधा, राधिका, गौरी। तो हम लोग बच्चे को 50 बार बुलाएंगे, लेकिन हम भगवान का स्मरण करेंगे। जैसे जैसे अजामिल का था, अजामिल की आपने कहानी सुनी होगी? नहीं सुनी सर। अजामिल क्या थे जी? अजामिल एक सत्यपथ ब्राह्मण थे। सत्यपथ ब्राह्मण यानी जो वो निरंतर भगवान का भजन ईष्ट करते थे। अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट कब हुई, जब उन्होंने वेश्या के साथ सानिध्य कर लिया। अच्छा, देखिए संगत का असर जरूर होता है मनोज जी। सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में बैठेंगे उसके गुड़ भी आने लगते हैं। अब उन्होंने एक जब वेश्या का उन्होंने संग किया तो उससे विवाह किया। विवाह करते समय उनका सारा भजन है और पावन से पतित हो गए, वो सब पूजा पाठ उनका छूट गया। वो मार काट करने लगे, डाकों वाली वृत्ति आ गई उनके अंदर, मार काट करने लगे। अब उस समय कुछ उस क्षेत्र से निकल के कुछ संतों की टोली जा रही थी, संतों की कुछ सभा, तो उन्होंने पूछा भाई यहाँ कोई ब्राह्मण है? बोले हाँ है। तो लोगों ने हास्य परिहास किया कि महाराज एक ही ब्राह्मण है अजामिल, तो भाई हम भूखे हम भोजन करेंगे, जाइए आप। तो उन्होंने कहा आपने इनको कहाँ भेज दिया, वो तो इनके कमंडल चिमटा सब छीन लेगा। तो कहले नहीं 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 जाने दो, आनंद आएगा। अब वहाँ गए तो उनकी धर्मपत्नी थी, अजामिल कहीं गया हुआ था। उन्होंने कहा देवी हम अजामिल से मिलना चाहते हैं, कि महाराज जी वो तो है नहीं, तो हम भूखे हैं, हम तीर्थयात्रा पे जा रहे हैं, कुछ संत हैं, महाराज जी आप मेरे हाथ का ग्रहण करेंगे? मैं तो वेश्या हूँ, मैं जो पहले थे, अब ये अब तो उसकी तुम धर्म पत्नी हो, उसकी अर्धांगिनी हो, पहले थी। तो उसके बाद में उन्होंने कहा महाराज जी आप बाहर बैठिए, मेरे पति नहीं है, मर्यादा है कि मैं जो है यहाँ आपको। तो उन्होंने कहा कि कहीं वो आ ना जाए, अजामिल इनके साथ झगड़ा ना करे। तो उन्होंने जो है फटाफट उनको भोजन की व्यवस्था की और शाम हो गई। उन्होंने कहा देवी अब शाम हो गई है, अब हम रात्रि को यहीं विश्राम करेंगे, कल हम प्रातःकाल निकलेंगे। अब इसके बाद में जब अजामिल शाम को आए, जो कौन है ढोंगी पाखंडी, तो आपकी पत्नी ने, हम इसको साधु संत हैं और आपकी पत्नी ने हमें भोजन कराया है, और भोजन के बाद उसको दक्षिणा का विधान होता है। तो मुझे दक्षिणा ये, मैंने तुम साधु संत हैं, ऐसा ना हो ये चिमटा कमंडल मैं छीन लूँ, इससे पहले मुझे क्रोध आए तुम निकल जाओ, क्योंकि हमें दक्षिणा धन नहीं चाहिए। तो आपकी पत्नी ने हमें भोजन कराया है, अब जो तुम्हारा जो पुत्र होगा, नौवा पुत्र जो होगा, उसका नाम नारायण रखना, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। जो हाँ ठीक है नारायण नाम रखना है ना, नारायण रखना ना, दो बार नारायण का उच्चार होगा। अब जब छोटा जो होता है आपने देखा होगा, या तो बड़े से ज़्यादा प्रेम होगा और छोटे से प्रेम होगा,
अब उसे इतनी आसक्ति आई अपने छोटे पुत्र में, बड़ा सुंदर हुआ, संतों का ये वचन था। तो अब वो इतनी आसक्ति थी उसके पुत्र में कि नारायण तुम कहाँ हो, नारायण तुम मेरे पास आओ, नारायण मेरे साथ भोजन करो, नारायण मेरे साथ चलो। तो कम से कम सारा दिन नारायण 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 की वो जो है रट लगने लगी। भगवान में कोई आस्था नहीं थी लेकिन अपने बच्चे में आस्था थी। नारायण उसके नाम को बुलाया जा रहा, भगवान को स्मरण नहीं था, लेकिन वो नारायण नारायण का जो भजन था। जब उसकी आयु समाप्त हुई है उसके बाद में उनको जो है जब यमदूत लेने आए हैं, उधर से जो है जो देव विष्णु भगवान से भी आए हैं, देवदूत आए हैं और यमदूत आए हैं, उनमें वाद विवाद होने लगा कि ये तो नरक का कामी है। देवताओं ने कहा नहीं, ये स्वर्ग का अधिकारी है, इसने कौन सा, इसे तो चांडाल रूप था ये, इसने तो मारकाट करी, इसने तो जो है भजन नहीं किया, इसने साधु संतों को सताया, इसने जो है लूट मार करी इसने। और तो वो कहने लगे कि नहीं, इसने नारायण नाम की जो है जो अपने बेटे को बुला रहा था, तो उस समय क्या था कि वो अपने पाप कर्म से छूटे और साक्षात भगवान विष्णु धाम पे गए। तो ये तो अगर हमने एयर टिकट हमने लिया है तो हम हवाई जहाज में बैठेंगे, अगर हवाई जहाज का टिकट हम ले रहे हैं तो हमने हवाई जहाज लेखेंगे, अगर हम अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हम भगवान के धाम को ही प्राप्त करेंगे। कि जाना है परम धाम और टिकट है हरि नाम। मान लीजिए आपके बैंक में 1,00,000 रुपए है, आप नहीं चाहेंगे मनोज जी वो 75 हो जाए, वो 50 हो जाए, 25 हो जाए, आप चाहेंगे वो 1.5 हो, 2 हो, 2.5 हो, तो वहाँ भी तो एक अकाउंट है परमात्मा के, वहाँ भी तो हमें करना है, दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों से सम्मान से देना है, किसी कोई भूखा व्यक्ति मिल जाए उसको कोशिश करनी है कि भाई भोजन हम कराएं। तो यही तो है अच्छाई है हमारी, जो हम अपना सुख न देखें दूसरों के दुख को देख रहे हैं। जिस दिन हम दूसरों का दुख पहचानेंगे तो सुख देने का प्रयास करेंगे। तो बहुत अच्छा जाना, अच्छाई बुराई सब लेके जाना है, सब यही छोड़ के जाना है। तो कहते ना, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे चले जंजीर। एक सोने के आसन पर सहज मृत्यु हुई और एक अस्पतालों में वेंटिलेटर पर लेटे, जबरदस्ती सांस खींची जा रही है, सांस है भी नहीं, तो फिर भी देखो। तो हम मोहमाया के बंधन में, एक मैंने भजन लिखने का प्रयास किया है, उसकी मैं 2-3 लाइनें सुनाऊंगा आपको, कि इस भजन के माध्यम से संदेश जाएगा कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें। और आप मोहमाया मैंने बधे, ठीक है, आपके पुत्र हैं आप, कि हमारे माता पिता ने हमारी करी, अब फर्ज आपका बन रहा है, कल के उनके बच्चों का, ये सृष्टि का क्रम चक्र है। लेकिन आसक्ति ना करें ये कि मेरी सेवा करेगा, ये तो कोई सौभाग्यशाली करता अपने माता पिता गुरुजन की सेवा। अच्छा, कि कहा गया है कि राम नाम भजने नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम भजले हरि का नाम भजले नहीं तो पछताएगा, कौन कहता है ये बेटा है तेरा, बेटा ये तेरा पड़ोसी हो जाएगा। राम नाम भजले नहीं तो पछताएगा, कौन कहता है ये बेटी है तेरी, बेटी को ये तेरा जमाई ले जाएगा। राम नाम भजले नहीं तो पछताएगा, अब ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। कौन कहता है ये काया है तेरी, काया है तेरी, ये काया है तेरी, काया को तेरी ये यम ले जाएगा। अब आज हम खांसी हुई, परसों बुखार चढ़ा, पता लगा ये शरीर ही समाप्त हो गया। काया मींस मतलब, काया मींस ये बॉडी, शरीर। शरीर कौन कहता है ये माया है तेरी, माया को तेरी, माया को तेरी ये चोर ले जाएगा। तो अब हम पे पैसा है लेकिन हमें शुगर हो गया जी। माया जी कैसे, एक बार ये माया का मतलब समझा दो। माया मींस है क्या चीज, माया मींस एक फीमेल है मतलब, माया, हाँ माया फीमेल में ही है, माया काया ये भी फीमेल है, काया माया छाया ये भी फीमेल है जी। ये नहीं कहेंगे माया आनी है, ये नहीं कहेंगे माया आना है, वो तो इस आपको स्त्रीलिंग में आता है। छाया है, छाया किसी, आपको किसी बच्ची का नाम मिलेगा है, किसी का माया उसका नहीं मिलेगा आपको, माया काया छाया। तो ये इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। माया माया काया
छाया, इनका हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमेशा ये तो अपनी रूप बदलते रहते हैं। तो ये मानव शरीर हमें मिला है, ये हमें हम ये कहते ना कि श्वास श्वास में राम रट वृथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवागमन न होए। जो हम कर रहे हैं वो सब ऊपर नोट हो रहा है, सब लिखा जा रहा है, पूरा रिकॉर्ड है। कि अब तुलसी देखिए, हम लोग तुलसी पूर्व जन्म के पाप के कारण हरिचर्चा में सहा है, तो आज हम लोग वक्त दुख का आता है, क्यों आता है, इसमें अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है, कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है। ये इस तरह से तो जीवन की एक सच्ची घटना है कि दुख मोह, हम लोग मोह में। अब मोह क्या है कि मेरी मृत्यु है, मुझे पता है मेरे अभी बेटी की शादी में बीमार से ग्रस्त होकर मुझे डॉक्टर ने कह दिया भाई अब तुम बचने की कोई चांस नहीं है, तो मैं तिल तिल के मरूंगा, तिल तिल के मरूंगा, मुझे पता लग जाए कि पारे दिन मारी में मौत आनी है, तो न मुझे पैसा अच्छा लगेगा, न मुझे को ये घर अच्छा लगेगा, मुझे तो आप चाहें राष्ट्रपति भवन में या किसी महल में, वहाँ भी वो बंधन लगेगा, मुझे पता है 12 दिन बाद मुझे मरना है, मुझे मरना है 12 दिन बाद। तो अब वो व्यक्ति तो जो है निरंतर प्रतिदिन वो जो है चिंता जो है चिंता में ही मर जाएगा, हो सकता है 12 दिन से पहले वो 6 दिन में ही अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो मृत्यु यानी मुक्त होना जीवन की सच्चाई है। कि बच्चा जब पूरा जीवन पूरा साल कुछ नहीं करता, तो जब पता लगता है कि मेरे एग्जाम में 2 महीने रह गए तो पढ़ने लगता है। तो इसी प्रकार से हम जो भी हमने जीवन में किया, अच्छा किया बुरा किया, अब हमें क्या करना है कि अब हमें उस परमात्मा का ध्यान करना है, उसका जो है सबका सम्मान करना है, सबको अच्छी शिक्षा देनी है, और सब अपना जीवन जो है संयम से जीना है, और हम लोगों को पवित्रता वाला जीवन जीना है। और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि आज भी जो है भगवान की अनुभूति होती है, आज भी भगवान के वहाँ यहाँ चमत्कार होते हैं, और कहते हैं कि भक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं होती। कामी क्रोधी लोभी लालची, कामी क्रोधी लोभी लालची, कबीर साहब महाराज जी ने कहा है कि कामी क्रोधी लोभी लालची, इनसे न भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात बिरादर कुलवरण खोए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये हमारे रविदास जी की शिक्षा थी, उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मणों ने जब अपमान किया रविदास जी का, भाई ये चमार आ गया, चमार यानी जो चमड़ी की पहचान कर रहा है, ये शरीर की पहचान कर रहा है, तो वो अलग बैठ जाते थे अपने, एक मिट्टी का जो पहले चमड़ा धोते थे कठौता बोलते थे उसको, मिट्टी का जो बर्तन होता था उसको कठौता बोलते थे, तो वो अलग बैठ के भजन करने लगते थे, जब तक ये महाराज जी स्नान कर लें मैं अपना जब तक भजन कर ले सकता। तो गंगा माई ने ऐसी धार मारी उन ब्राह्मणों को एक तरफ किया, उनके कठौते में आ गई, साक्षात प्रकट हो गई। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, जब से कहावत कबीर साहब महाराज जी जो थे निर्गुण के उपासक रहे, सगुण और निर्गुण, ये है कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं, हम जो हम किसी को हमने आकार की हम पूजा कर रहे हैं, निराकार यानी सर्वत्र हरि समान, सब में भगवान है, आप मुझ में आपकी भगवान की आत्मा है, आप में है, और निर्जीव में भी परमात्मा का अंश है, खम्भ फाड़ के प्रहलाद को उन्होंने बचाया। तो बहुत सारी ये चर्च बातें हैं, तो परमात्मा की ऐसी कृपा है कि आज हम भगवान की चर्चा हो रहे हैं, तो ये भी उसकी कृपा है जी, ये भी उसकी कृपा है कि आज हम हरिनाम की चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा सभी बंधु प्रेमियों से, भक्त प्रेमियों से, सभी से निवेदन है, और हमारे कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, शारदीय नवरात्र, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और महामाई 9 दिन जो होते हैं साधना के दिन होते हैं, 9 दिन हम अभी गणेश जी चतुर्थी हुई, कोई 2-3 दिन के लिए गणेश जी को गेस्ट बना के ला रहे हैं, कोई 5 दिन के लिए, कोई 11 दिन के लिए। हमारे उत्सवों का देश है भारत, त्योहारों का देश है, हमारी संस्कृति जो है हमारा संस्कृति से भरा हुआ है हमारा देश, बोलियां बेशक अलग हैं लेकिन हमारा उद्देश्य तो ये है। तो हमारा क्या उद्देश्य है
कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। तो भाईचारा, महामाई जैसे अपनी माता, जैसे जो भी नवरात्र में माता जी की आराधना करेंगे, सबसे पहले उस माँ के आप चरण स्पर्श करें जो माँ हमारे आज बैठी है जी। जो हमें हमसे आस लगा के बैठे हैं, उस माँ के आप चरण वंदन करें। मैं नित्य प्रति एक महामंत्र दे रहा हूँ कि जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ तर्क है वहाँ नरक है। ऐ अगर आप जो माताएं बहनें आप जो विवाह करके अपने घर आती हैं, अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ लेती हैं कि यही मेरे माँ बाप हैं, तो मैं जहाँ तक समझूंगा किसी को अपने बच्चों को छोड़ के अनाथ आश्रम नहीं जाना पड़ेगा। है ये ख़त्म हो जाएगी प्रथा। जैसे हमारी माँ पे भी कोई कष्ट आता है तो इस तरह से, तो ये सारी बातें हैं। जैसे हम माँ जगत जननी की, माँ भवानी की हम आराधना करते हैं, उसी प्रकार से जो है हमारे ये संकट काटते हैं कि माँ अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं दे सकती। पुत्र को पुत्रो जायते, मनोज जी, पुत्र को पुत्रो जायते, माता कुमाता न भवती। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। तो एक ना हमारी एक सच्ची घटना है मनोज जी, मेरी सच्ची घटना है। अभी हम लोग पिछले साल हमारा जाना हुआ वैष्णो देवी माता जी, कुछ लोग हमारे साथ थे, यजमान हमारे, कुछ मित्र ईष्ट मित्र हमारे साथ थे। तो मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ। 31 दिसंबर की रात को एक घटना घटी वहाँ पर। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ भगदड़ मची। कहाँ पे सर? 31, अभी आप YouTube में देखेंगे तो पिछले साल जो 31 मार्च की थी, भीड़ थी बहुत ज़्यादा। श्राइन बोर्ड ने कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई कि वहाँ, मान लीजिए कि वहाँ 50,000 लोग हैं तो कम से कम 1.5 लाख लोग थे। किसी किन्हीं कारणवश वहाँ भगदड़ मची। अब वहाँ जो भगदड़ मची, अब मैं 10:30 बजे करीब हम भवन पहुँचे तो मुझे ऐसा संदेश हो रहा है कि भाई माता रानी के दर्शन करने चाहिए। कोई हमारी जान पहचान नहीं थी, मैंने कहा भाई चलो दर्शन करने चलते हैं। उन बच्चों ने मैंने किया कि नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं अभी चलो, अच्छा ठीक है गुरुजी। तो हम 11:15 बजे दर्शन करके हम लोगों ने एकांत में अपना आसन लगा दिया। तो वहाँ समझ लीजिए कि वहाँ 12 बजे के बाद जो भगदड़ मची है उसमें कम से कम 70-80 लोग मारे गए। वो इतनी दुखद घटना थी। उसी में आप थे पहले? हमने पहले, अगर हम 12 बजे उन बच्चों की बात मान लेते तो शायद भगदड़ मस्ती शायद हम भी नहीं बच पाते, या तो हमारी चोट लगती। और जिनके किसी के हाथ में चोट आई, किसी के पैर में चोट आई, जो भगदड़ मच कोई नीचे बच्चे भी दब गए कहीं नीचे, तो वो बड़ी दुखद घटना थी। वो पहली घटना थी। अभी भी श्राइन बोर्ड वालों का केस चल रहा है इस चीज़ का। वो मरने वालों को उन्होंने 5-6 लाख का लिया। तो वहाँ न कोई चेकअप था, न कुछ आई कार्ड, वहाँ तो सीधा एंट्री करके सीधा भेज रहे थे। ना कोई चेकअप नहीं कुछ, वहाँ की भाषा भी बड़ी बदतमीज थी, थर्ड क्लास की लैंग्वेज थी। भक्तों पर भी उन्होंने डंडे लाठी चलाए थे, ये सब बहुत चीज़ें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो है इस दास को यहाँ बोलने का अवसर दिया, और आगे फिर ऐसी कृपा होगी। जैसे कि सर अभी हम बीच में हमने वो बोला था कि हम अपनी तरफ से भगवान की भक्ति की तरफ नहीं जा सकते जी, जी। जब तक भगवान नहीं बुलाएंगे। जी जी सर, ठीक है। तो एक तो मैं इस पर बात करना चाहूँगा, और दूसरी सर वो है कि जैसा कि आपने बोला कि अपने गुरुद्वारे में है वहाँ पे सब लोग मान मर्यादा का ध्यान रखते हैं, अपने इस्लाम में देखें तो वहाँ पे पर्दा है, वो पर्दा करते हैं, बाकी माताएं बहनें बड़ी उससे निकलती जी। और ईसाई में है तो वहाँ पे सब एकता है। तो हम जो हिंदू कल्चर है, जो हिंदू धर्म है, तो इसमें सर क्या है और इतना वेरिएशन क्यों है? मतलब इसमें मनोज जी आप देखा जाए तो ना, इसमें कुछ भी समस्या क्या है सर मनोज जी, कि अब हम अपने पिताजी को पिताजी न कहें और पड़ोस में जाके हम लोग उनका सम्मान करें। हमारे माँ बाप को तो नथिंग कर दिया, पड़ोस में हम जाके उनको सम्मान दे रहे हैं, तो वो नथिंग है। तो हम लोग ये है कि हम रामायण, गौ गीता, गौरी, हमारे यहाँ इतना अंधविश्वास फैला कि हमारे यहाँ जैसे एक हमारे ब्रिज में कहावत है कि जंगल न होते मोर कहाँ छिपते, और संत न होते ये चोर कहाँ छिपते।
इस गेटअप में एक से थर्ड क्लास के एक लोग क्रैप्ट लोग इसमें गेटअप में आ गए। जब से साधु का भेष बना के रावण ने सीता जी का हरण किया, जब से करप्शन चला, तब से सही कह रहे हैं साधु का भेष बनाया। साधु पर सब दया धर्म करते हैं, अंध आंख मीच के विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आज का समय ऐसा नहीं चल रहा कि हम लोग जो है इस पर हम लोगों को कहते ना पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। हम लोग किसी पे आंख मीच के विश्वास नहीं करना चाहिए है? और वो ईश्वर तो आपके घट में बैठा हुआ है, अब हम लोगों ने ये गौ सेवा शुरू की 2-3 वर्ष पहले, तो हमने अपने गुरुदेव को कहा था गुरुदेव हम किसी से डिमांड नहीं करेंगे। लक्ष्मी नगर की गलियों में और पांडव नगर की गलियों में हमने गौ सेवा रथ निकाला, हम भजन चलते थे, लेकिन हमने किसी के दरवाजे को नॉक नहीं किया, हमने खटखटाया नहीं दरवाजा किसी का, ना किसी की वेल बजाई कि हमें गाय के लिए रोटी दो। बड़े लोग श्रद्धा से आते थे, रोटी लेके आते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो 3-3, 4-4 दिन की काई लगी हुई रोटी माता बहने, वो क्या है शिक्षा का असर है। अब पहले रोटी गाय की निकलती थी हमारे यहाँ, बीच की बच्चों को खिलाई जाती थी, आज की रोटी जो है आखिरी रोटी कुत्ते की निकाली जाती थी। लेकिन मनोज जी अब क्या है, ये समय परिवर्तन होता गया, हम बदलते गए, हमारे विचारों से हम गिरते गए, हमारी रामायण की चर्चा जो है नहीं हो रही, तो इसलिए आज हम लोग परेशान हैं। तो अब पहली रोटी जो है माताएं बहनें जो है सुबह सुबह जो है अपना काम करती हैं, भाई लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए, तो पहली जो लंच पैक होता है भाइयों का या उनको खिलाया जाता है, कहीं नहीं नहीं निकाला जा रहा। अब जो है बीच की बच्चों को खिला, आखिरी रोटी कुत्ते की जो निकाली जाती है वो भी नहीं निकल रही। अब पतिदेव को पहली रोटी खिलाई, बीच की बच्चों को खिलाई है, और आखिरी रोटी कुत्ते की जो माता बहनें खुद खा जाती हैं। अब बेचारे से सब्जी गलत आ जाए, शाम को अंश खा रहे हैं ना गाय का, हम गाय का अंश खा रहे हैं और वो सब्जी आ जाए, उससे अनजाने में सड़ी गली सब्जी आ जाए, फिर देखो माता बहनों का क्या प्रचंड रूप होता है। तो मैं तो दिखाई नहीं देता, तुम तो नाश पतुले हुए हो, मैं तो तुम कुछ पता ही नहीं है। अब वो भी बोल नहीं सकते, भाई बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हम गाय का अंश खा रहे हैं, गाय तो सीधी साधी है, तो हम लोग अंश खा रहे हैं ना। हमारे यहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ, अति का दान बुद्धि भ्रष्ट करता है जी। अति का जो दान कोई भी किसी से एक्सेप्ट जो ज्यादा करेगा वो बुद्धि भ्रष्ट करता है। अति मतलब आपको देखिए, आपको साधु का क्या रूप होना चाहिए कि हमें भोजन की चिंता नहीं होनी चाहिए, हमें भजन उस परमात्मा, वो हाथी का पेट वही भर रहा है, चींटी का पेट भर रहा है, ठीक है। तो हमें परमात्मा ने जो वस्त्र दिए हैं, हमें जो भाग्य में होगा वो हाथी का पेट वो भर रहा है, वो जो हमारा कहीं भोजन हम पे लिखा गया है तो हमें वो मिलना है, हम अपने भजन पे प्रबल विश्वास करें। ये तो आलसी लोगों का काम था कि भूखे भजन न होए गोपाला ये लो अपने कंठी माला, आलसी लोगों ने ये धारणा बनाई। अरे वो उसने कभी किसी को भूखा नहीं रखा, हम अपने कर्मों से रह जाएं मनोज जी, लेकिन उसने कभी किसी को भूखा नहीं रखा, वो परमात्मा है, वो तो जो है अपना चाहे आप देगा उतर, एक भिखारी का भिखारी को भी वही दे रहा है, है? जी। वो जगत को, तो ऐसा नहीं है भूखा जगाता जरूर है सुलाता नहीं, ये हमारा सत्कर्म है। कोई राजा के घर आया है और कोई रोड पर पैदा हो रहा है, ये कर्म है। देखिए जैसे हम एक कुत्ता डीओजी डॉग, डॉग का अपोजिट गॉड, डी से हाँ डीओजी डॉग गॉड। अब गॉड में भी 3 वर्ड आए, डॉग में भी 3 वर्ड आए, तो अब आपने देखा होगा पहले हमारे घरों में पूरा प्राचीन काल में लिखते थे शुभ और लाभ, वक्त बढ़ता गया जी, दरवाजों पर शुभ लाभ ये लिखते थे, गणेश जी के पुत्र हैं, और फिर लिखने लगे स्वागत जी, स्वागत स्वागतम है, समय जैसा बढ़ता गया फिर लिखने लगे वेलकम। और आज हम नेम प्लेट, तो आज आपने देखा होगा कि दरवाजे के बाहर नेम प्लेट होती है बी बियर डॉग, कुत्ते से सावधान, आज कुत्ते से सावधान किया जा रहा है लेकिन जो कुत्ते में जो अच्छी जो सच्ची श्रद्धा है और भगवान में आस्था है ये डी माने ड्यूटीफुल है। आप एक कुत्ता पाल लीजिए,
किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके गेट के अंदर आ जाए, दहशत है, ओबीडिएंटली आज्ञाकारी है, ग्रेटफुल ये महान है। भगवान तीन वर्ड गॉड में आए, तीन वर्ड अपोजिट गॉड है डॉग। तो ये वफादार है, वफादारी में इससे बढ़कर कोई नहीं है। तो ऐसी ये हमारी जो परंपरा चलती रही है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों में आस्था कब जागृत होगी, जब हमारी रामायण की चर्चा हमारी, जैसे आपने अपने चैनल से के माध्यम से प्रयास किया है, और मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और आपकी पूरी टीम को, नवेश सर को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आपको मनोज जी आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जो आपने ये पहल की है कि यहाँ कुछ चर्चाएँ की जाएँ, अपने इसको अध्यात्म को का प्रचार प्रसार हो, और कुछ अपने सनातन धर्म को जो है प्रेमी यहाँ आके बोलें। और यहाँ एक आपने ऐसा मंच, साझा मंच हमारा जोड़ा है कि यहाँ से हम अपनी चर्चाएँ करें जी। हरि की चर्चा बिना खर्चा, आप जो गुरु शब्द पे होता है उसको कि कहते हैं ना, चाहा मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वह सहंसाओं का सहंसा, इच्छाएं पाप का कारण बनती हैं। पहले के संत कर्मठ होते थे, कर्म से जुड़े थे, रविदास जी थे, सूमे करते, जूते काटने का काम करते थे, जूते बनाते थे, और कबीर साहब जी थे, दरिया बुनते थे, मुंह से राम हाथ से काम। और एक उनके यहाँ बड़ी शांति थी, उनके मन में जब तक शांति नहीं होगी हमारे घर में शांति नहीं होगी, पहले तो मन की शांति चाहिए नंबर एक। अब कबीर साहब जी के पास एक सेठ जी आए, एक छोटी सच्ची घटना याद आ गई, कबीर साहब जी के पास एक सेठ जी आए, उन्होंने कहा कि मैं, आप झोपड़ी में रहते हैं, मैं महल में रहता हूँ, मैं यहाँ का सेठ, और आपके घर में कभी कलेश नहीं होता, मेरी जो है धर्मपत्नी मुझसे रोज़ झगड़ती है, रोज़ मुझे आदा लगानी पड़ती है। कारण क्या है, गर्मी के दिन थे, जून का महीना था, आए कबीर साहब ने कहा गुरुजी मुझे कोई ऐसा मंत्र दो मेरे घर में भी ये शांति हो। बिठाया, आप बैठो, अब दोपहर हो रही थी, अब एक घंटा बिठाया, सेठ जी धूप में परेशान हो गए कि गुरुजी बताओ, मैं तो धूप में परेशान हो रहा हूँ, आपको तो आदत है बैठने की, बताओ मैं जाऊँ फिर। उन्होंने कहा बैठो, अभी दूसरा घंटा बीता, अब वो कहने लगे कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को आवाज़ लगाई, भाग्यवान सुनती हो, एक दीपक लेके आओ, यहाँ रख दो। उन्होंने कहा दीपक, रात होती तो मैं दीपक मान लेता, लेकिन दिन में दीपक की क्या जरूरत है, आप कौन सी मूर्खता कर रहे हैं गुरुजी, आप दिन में दीपक क्यों मंगा रहे हो। तो ये शब्द मेरी धर्मपत्नी भी कहती थी, मैंने कहा, उन्होंने सुना, उन्होंने तर्क वितर्क नहीं किया, तो जहां तर्क है वहां नरक है, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। आपकी पत्नी अगर आपसे कुछ कहें तो आप जवाब मत दीजिए, आप चुप शांत होइए, ये सबसे बड़ा महामंत्र है। यदि आपको क्रोध आ रहा है, और मैंने कहा आप बड़े मैं छोटा, तो ये क्रोध की यहीं से सीमा ही समाप्त हो जाती है। क्रोधम बुद्धि नास्ति, क्रोध बुद्धि का नाश करता है, अग्नि से भी तेज बताया गया क्रोध। तो क्रोध हम कर रहे हैं, क्रोध हम पे हावी हो रहा है, मोह हम पे, लालच हम पे हावी हो रहा है, रिश्ते नाते बनाए जाते हैं सब लालच से बनाए जाते हैं जी। तो लालच नहीं होना चाहिए रिश्तों में, निष्काम एक दूसरे की कदर होनी चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं की कदर होनी चाहिए, माताओं बहनों की इज्जत होनी चाहिए, और हमारे गौ माता पर एक कानून आना चाहिए, और हम परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से हम ये कामना करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि गौ माता पर एक कानून बनाया जाए, गौ माता पर कानून बनाया जाए, गौ माता को सुरक्षित किया जाए। जैसे कानून में क्या होना चाहिए, जैसे कानून में ये होना चाहिए, कोई भी सज्जन अपनी गाय को जो है अपने पास रखें, बाहर रोडों पर भटकने के लिए न छोड़ें, और गाय को राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी तो कोई व्यक्ति उनको, गायों को उठाया जाए, उन गौशालाओं में पहुँचा जाए जो गौशालाएं सरकार से जो है फंड ले रही हैं, उनमें वहाँ मतलब गौवंश को उसमें जो है सुरक्षित किया जाए। कानून आना चाहिए गौ माता पर, और यदि कोई तो उसमें दंड का प्रावधान रखना चाहिए, और यदि किसी की गाय बाहर निकलती है तो उस पर जो है जुर्माना लगाना चाहिए, और कोर्ट से ही गाय, जैसे ट्रैफिक वाले हमारी गाड़ियों को ले जाते हैं, ऐसी एमसीडी वाले हमारी गायों को ले जाए। तो ये, और फिर ये तो खैर कानून की प्रावधान है, ये तो सरकार अपना काम करेंगी, या बड़े बड़े संत महंतों ने गौ माता पर जो है कार्य करना शुरू किया है, परम श्रद्धेय
गोपालमणि महाराज जी हैं, और मलुक पीठ के हमारे पीठाधीश्वर हैं राजेंद्र दास महाराज जी हैं, और बड़े बड़े संतों ने जो है आह्वान किया है गौ माता पर, तो कर रहे हैं सभी गौ माता पर आह्वान। और हमारे शंकराचार्य त्र्यंबकेश्वर महाराज जी हैं, उन्होंने आपके बागपत बड़ौत में उन्होंने एक ऐसे गौवंश को जो है आश्रय स्थल बनाया है जो अंधी लंगड़ी लूली गाय है। तो यही हमारी चर्चा का विषय था कि हम लोगों में जन जागृति आनी चाहिए, हम लोगों में एक जन जागृति आए और अपना जो है धर्म के प्रति हम सम्मान करें, बड़े छोटों का हम आदर करें, यही बस चर्चा थी, चर्चा का विषय था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मनोज जी और आपकी पूरी आपके इस चैनल के सभी सदस्यों का जो आपने इस दास को बोलने का अवसर दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। और महामाई का ये पावन पर्व 9 दिन का शुरू होने वाले हैं, और महामाई की ऐसी कृपा है कि ऊंचे पर्वत बैठ के सबका मुजरा लेत, और जैसी जिसकी चाकरी वैसा ही फल देत, सर्व वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिर्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद सर आपका, आप इस शो पे आए, आपने शो का मान बढ़ाया, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ आगे भी अवश्य ये चीज कंटिन्यू करेंगे, अवश्य अवश्य रहेंगे, मेरी उपस्थिति हमेशा आपके लिए आदरणीय पूर्ण रहेगी, और कभी भी अगली बार हम फिर चर्चा पर जल्दी मिलेंगे। और सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप जो भी बोलने का प्रयास किया, और कुछ अध्यात्म के केंद्र बिंदुओं को हमने उठाया, और सभी इन चीज़ों को अपने मन में धारण करें। यदि हमारे कोई अच्छी चीज़ से अगर 4 लोगों में परिवर्तन आ गया तो ये हमारी चर्चा का बहुत बड़ा एक श्रेय रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।